डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसे कि आप जानते हैं, 10th क्लास में जो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार को पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास की बात करें तो हम लोगों ने प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में पढ़ा था, और फिर टिंडल प्रभाव को पढ़ा था कि आखिर टिंडल प्रभाव कहते किसको हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि कोलाइडी कण किसको कहते हैं, है ना। तो ये सब सारे पॉइंट्स हम लोगों का क्लियर है। चलिए आगे हम लोग टॉपिक्स बनाते हैं। टॉपिक्स है आकाश का रंग। आकाश का रंग, ये हम लोगों को टॉपिक्स है। अब ये आकाश का रंग टॉपिक्स का मतलब क्या है? आपको पूरे आसमान यानी आकाश का कलर कैसा प्रतीत होता है? तो आप बोलेंगे बेहिचक सर, ब्लू, नीला कलर दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में आकाश का रंग नीला नहीं होता है, ठीक है। नीला दिखाई पड़ता है, ये भ्रम है। याद रखिए, आकाश का रंग रियलिटी में वास्तव में काला होता है। और इसका आपको तब अंदाज़ा मिलेगा जब आप कुछ ऊंचाई तक आप पृथ्वी से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम आकाश का रंग का। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। आपको पता होना चाहिए लाल का। और किसका सबसे कम होता है? याद रखिएगा, बैगनी का, ठीक है। लेकिन हम लोगों को आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि आखिर नीला और लाल में तरंग दैर्ध्य का कितना अंतर है। तो फर्स्ट एरो देकर लिखेंगे, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कॉमा, नीले रंग के तरंग दैर्ध्य से, नीले रंग के तरंग दैर्ध्य से 1.8 गुना होता है। 1.8 गुना होता है। याद रखिएगा, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है नीले रंग से कितना गुना होता है? 1.8 गुना, ठीक है। चलिए उसके बाद, यानी ये तो बात पक्का हुआ ना कि लाल रंग का तो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन लाल और नीला में भी लाल का ही ज़्यादा होगा, लेकिन नीला से कितना गुना ज़्यादा? 1.8 गुना ज़्यादा हो जाता है तरंग दैर्ध्य नीला से, ठीक है। फिर लिखेंगे सेकेंड एरो में, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में सूक्ष्म कण लाल रंग के अपेक्षा नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं। प्रकीर्णन करते हैं, याद रहे दोस्तों, आपको जब हम प्रकाश का प्रकीर्णन टॉपिक्स पढ़ा रहे होंगे वहां पे आपको बताए होंगे कि जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यानी कि जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। याद रखिए, लाल और नीला में कौन किसका तरंग दैर्ध्य अधिक है? लाल का अधिक है और नीला का कम है। कौन सी तरंग दैर्ध्य? लेकिन प्रकीर्णन का अगर बात करें तो लाल का चूंकि तरंग दैर्ध्य अधिक है
इसलिए लाल का तरंग प्रकीर्णन कम होगा और नीला का ज़्यादा होगा। तो याद रखिए कि जब प्रकाश की किरणें या सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरती है, क्योंकि आसमान से होते हुए तो हमारे तक आती है, कोई भी सूर्य की किरणें जो है वायुमंडल से होते हुए ऊपर से ही नीचे आती है हम लोग तरफ, तो उसको सूक्ष्म कण से गुजरना पड़ता है, और उस सूक्ष्म कण में जो लाल रंग होते हैं और नीले रंग होते हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में तो सभी कलर होते हैं, तो वहाँ पे हम लोगों को पता चला कि लाल रंग के अपेक्षा नीले रंग का जो प्रकीर्णन है अधिक होता है। याद रखिएगा, तरंग दैर्ध्य में लाल ज़्यादा है और नीला कम है, लेकिन प्रकीर्णन जिसका हम लोग पढ़े ना कि जिसका तरंग दैर्ध्य अधिक रहेगा प्रकीर्णन कम होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम रहेगा उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा। तो लाल और नीला में तरंग दैर्ध्य लाल का ज़्यादा है, लेकिन लाल और नीला में प्रकीर्णन ज़्यादा होगा किस रंग का? नीला रंग का। तो इसलिए याद रखिएगा कि जब सूर्य का किरण वायुमंडल से गुजरते हुए हमारे पृथ्वी तक आती है तो लाल रंग के अपेक्षा नीला रंग का जो प्रकीर्णन है वो अधिक होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट एरो देकर लिखेंगे, पृथ्वी पर वायुमंडल होने के कारण प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे आँख पर पड़ता है जबकि अंतरिक्ष यात्री को ऊंचाई पर उड़ते समय आकाश काला प्रतीत होता है। देखिए, चूंकि पृथ्वी पर वायुमंडल है ना, हम लोग किससे घिरे हुए हैं? वायुमंडल से घिरे हुए हैं, इसलिए होता क्या है कि नीला और लाल में हम लोग को पता चला कि लाल का प्रकीर्णन कम होता है और नीला का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी आँखों पर जो पड़ता है वो नीला कलर, और फिर हम आराम से बोल सकते हैं कि आसमान का जो कलर है यानी कि आकाश जग का हमेशा जो कलर है वो नीला कलर है। हालांकि ये भी क्या है, गलत है। इसको अगर सही मायने में अगर आपको तय करना है तो आप पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पे उड़िए, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पे ऊपर चढ़िए, है ना, तो वहाँ से आपको दिखेगा कि आकाश जो है काला रंग दिखाई देता है। इसका प्रमाण अंतरिक्ष यात्री से आप ले सकते हैं। अंतरिक्ष यात्री जो हमेशा पृथ्वी से ऊंचाई पर उड़ते रहते हैं उनको आकाश जो है काला रंग दिखता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि खतरे का संकेत में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। ट्रेन उरेन का सफ़र किए होंगे आप, ट्रेन में, रेल में, तो वहाँ पे सिग्नल देखते होंगे कि लाल रंग जैसे ही जलता है तो ट्रेन क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो खतरे का प्रतीक है। वही हरा जो है यातायात का प्रतीक है, यानी कि स्टार्ट हो जाता है, वहाँ से आप क्रॉस कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर अब हम लोग को ये भी सवाल आ सकता है कि लाल रंग जो है खतरे के रूप में क्यों यूज किया जाता है, लाल रंग का उपयोग खतरे के सिग्नल के रूप में किया जाता है, ऐसा क्या कारण है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है ना वो सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे ज़्यादा होता है तो इसलिए प्रकीर्णन इसका क्या होगा, कम होगा, यानी कि इसका रंग जो है बदलता ही नहीं है। ठीक है, लाल है तो इसका प्रकीर्णन का मतलब कोई लॉस नहीं होता है इसमें, इसलिए लाल जो है हम लोगों को दूर से भी आसानी से दिख जाएगा। तो यही कारण है कि लाल को खतरा के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चलिए इस बात को भी लिख लिया जाए। तो नेक्स्ट एरो में लिखेंगे, खतरे के सिग्नल के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है,
खतरे के सिग्नल के रूप में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि क्योंकि लाल रंग का तरंग धैर्य, लाल रंग का तरंग धैर्य सबसे अधिक है, इसलिए इसका प्रकीर्णन, इसलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए इसका प्रकीर्णन कम होता है, अतः यह दूर से भी, अतः यह दूर से भी लाल रंग ही का ही दिखाई देता है, लाल रंग का ही दिखाई देता है, और हम इसे खतरे के रूप में, खतरे के सिग्नल के रूप में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि अगर कोई पूछेगा कि लाल रंग जो है खतरा का सिग्नल में क्यों प्रयोग किया जाता है, तो आप इसका बोलिएगा कि लाल रंग का तरंग धैर्य जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सातों गुण रंग होते हैं कुल मिलाकर जो है मेन मुख्य रूप से सात रंग होते हैं, और सात रंग में लाल रंग का जो तरंग धैर्य है वो सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का। और यही कारण है कि हम लोग जानते हैं ना कि जिसका तरंग धैर्य सबसे ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो चूंकि लाल रंग का तरंग धैर्य ज़्यादा है इसलिए प्रकीर्णन इसका कम है, इसका लॉस कम हो जाता है, कम होता है मतलब न के बराबर, इसलिए दूर से भी हम लोगों को लाल रंग का ही दिखाई देता है। जैसे अभी आसमान वाला कैसे था कि रियलिटी में है काला लेकिन दिखाई देता है नीला, है ना, तो ऐसा इसमें नहीं है, हम लोगों को दूर से भी या कहीं से भी ये लाल रंग का ही दिखाई देता है, क्योंकि इसका तरंग धैर्य ज़्यादा होता है या फिर बोले इसका प्रकीर्णन कम होता है, तो इसलिए हम लोग इसको प्रयोग करते हैं किस रूप में, खतरे के सिग्नल में। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग देखते हैं। अभी हम लोग आकाश का रंग देख रहे थे, तो आकाश का रंग पता चला, आकाश का रंग रियलिटी में काला होता है लेकिन हम लोग को दिखाई कैसा पड़ता है, नीला। अब नीला क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि वायुमंडल में से प्रकाश की किरणों को गुजरना पड़ता है, और गुजरते समय लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो कम होता है और नीला का प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों ऐसा ज़्यादा होता है, क्योंकि नीला का तरंग धैर्य कम है, तो ये कहीं ना कहीं कारण है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देते हैं। ठीक है, जैसे भी आकाश का रंग देख रहे थे, अब हम लोग देखते हैं, टॉपिक बनाएंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, सूर्य का रंग। अब हम लोग किसका रंग देखेंगे, आइए अब हम लोग देखते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग को देखते हैं। आप कभी देखते होंगे सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय मतलब सूर्य उदय हो रहे हैं, या सूर्य जो है अस्त हो रहा है। ठीक है, तो उस समय जो सूर्य का रंग होता है वो आप गहरा लाल देखेंगे, वो ज़्यादा लाल हो जाता है। ठीक है, यानी कि बाकी दिन के अपेक्षा, जैसे दोपहर होगा या 10-11 बज रहा होगा सुबह का, या शाम का 2-3-4 बज रहा होगा, तो उस टाइम के अपेक्षा जब सूर्योदय होता है या सूर्यास्त होता है ना, तो उस टाइम जो सूर्य का रंग होता है वो आप देखेंगे गहरा लाल होता है, जिसको हम लोग रक्ताप भी कहते हैं। क्या बोल सकते हैं, रक्ताप। इस रक्ताप का मतलब हुआ गहरा लाल। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग दिखता है वो रक्ताभ होता है, गहरा लाल होता है। अब इसके पीछे क्या कारण है, तो हम लोग टॉपिक बनाएंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग। चलिए, एरो देंगे, फर्स्ट एरो। हम जानते हैं कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है।
सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, कौमा इसका मुख्य कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। इसका मुख्य कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। याद रखिएगा फर्स्ट एरो में क्या लिखे हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग होता है वो रक्ताभ होता है। रक्ताभ मतलब गहरा लाल होता है। ये किसके कारण होता है तो याद रखिएगा, कोई पूछेगा तो 100 बात का एक बात जवाब दीजिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन। समझ में आया कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है गहरा लाल दिखता है। अब जब क्वेश्चन आएगा एग्जाम वगैरह में या बोर्ड एग्जाम में तो हम लोग इसको डीपली कैसे लिखेंगे, चलिए सेकेंड एरो में सीखते हैं। ये तो कुल मिलाकर मोटा मोटी बात हो गया कि प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त का कलर है रक्ताभ होता है, लेकिन और एग्जाम में आएगा तो ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में इतना आंसर सटीक नहीं होगा, इसलिए और सेकेंड एरो देकर हम इसका डबली आंसर को करते हैं। सेकेंड एरो देकर लिखेंगे सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य से निकलने वाला प्रकाश, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य से निकलने वाला प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए अधिक दूरी तय करना पड़ता है, इसके कारण कम तरंग धैर्य वाला नीले रंग का प्रकीर्णन, हो जाता है, इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश, अधिक तरंग धैर्य का होता है, अतः सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, देखिए अब इतना पॉइंट्स लिखेंगे तो ये आपको डिपली हो जाएगा, है ना। कुल मिलाकर कि यहाँ पे भी प्रकाश का प्रकीर्णन ही हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्योदय जब होता है, जैसे मान लिया कि यहाँ पे पृथ्वी है, ये हम लोगों का पृथ्वी है, और जब भी सूर्योदय होगा, मान लीजिए कि इधर पूरब है और इधर पश्चिम है, ठीक है, और ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है मानचित्र में, तो हमको उत्तर दक्षिण से काम नहीं है, हमको पूरब और पश्चिम से काम है, क्योंकि सूर्योदय पूरब में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। जैसे मान लिया कि यहाँ पे पूरब में सूर्योदय निकला, सूर्य उदय हुआ, तो सूर्य जैसे ही पूरब में निकला तो इसको जो है अधिक दूरी तय करना पड़ता है पृथ्वी पर पहुँचने के लिए, लेकिन जैसे जैसे दोपहर होते रहता है तो दोपहर होते टाइम इसको दोपहर के समय बहुत कम दूरी तय करना पड़ता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर होता है, बिल्कुल खड़ा होता है, पृथ्वी के बिल्कुल सामने होता है, लेकिन पूरब और पश्चिम जाते जाते, इसलिए आप देखते भी होंगे कि परछाई जो है सबसे ज़्यादा बनता है सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। एक बात और याद रख लीजिएगा कि किस समय किसी भी वस्तु का परछाई सबसे अधिक लंबा होता है, तो याद रखिएगा जब सूर्य उदय होता है तो परछाई काफ़ी लंबा होता है, ठीक है, और जब सूर्यास्त होता है तो परछाई काफ़ी लंबा होता है किसी भी वस्तु का, लेकिन वही परछाई जब बिल्कुल दोपहर में देखिएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पैर के नीचे ही परछाई बनने लगेगा, क्योंकि उसको
कम डिस्टेंस तय करना पड़ता है और बिल्कुल सामने आ जाता है पृथ्वी के। तो याद रखिएगा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य से निकलने वाला प्रकाश की किरणें हैं, इसको बहुत दूर अधिक दूरी तय करना पड़ता है। कब कब? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अधिक दूरी तय करना पड़ता है, सिवाय किसके? तो दोपहर के टाइम। दोपहर के टाइम इसको कम दूरी तय करना पड़ता है, तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय इसको ज़्यादा दूरी तय करना पड़ता है। तो याद रखिएगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो से निकलने वाला प्रकाश की किरणें हैं, उसको अधिक दूरी तय करना पड़ता है। इसके लिए होता क्या है, नीले रंग का जो है तरंग दैर्ध्य कम है, लेकिन इसका प्रकीर्णन जो है अधिक हो जाता है। इसलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश किरण है वो लाल पहुंचता है ज़्यादा। ये क्यों होता है? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि हम लोग अधिक दूरी के कारण ऐसा होता है, ठीक है। और हमारा वायुमंडल का बात रहेगा तो वायुमंडल तो हमारे से लगभग 30 से 32 किलोमीटर है। ऊपर जाएंगे तो हम लोगों को वायुमंडल मिलेगा, आकाश आसमान मिलेगा, है ना। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दूरी अधिक होने के कारण नीला जो है हम लोगों के आँखों तक नहीं पहुँच पाता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्ध्य कम है, और कम है और प्रकीर्णन ज़्यादा है। इसलिए हम लोग डिस्टेंस के वजह से इतना ज़्यादा दूर है हमारा पृथ्वी से सूर्य कि नीला रंग का पता ही नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ लाल रंग ही होता है सूर्य में, ऐसा नहीं है। वो भी एक तरह का हम लोगों को भ्रम है, उसमें तो कई रंग होते हैं, लेकिन हम लोगों को सबसे ज़्यादा लाल ही दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि अधिक दूरी हो जाता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, इसलिए और भी कलर का हमको पता नहीं चलता है, सबसे ज़्यादा लाल ही पता चलता है। क्योंकि अभी पढ़े ना कि लाल का जो तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, और इसको कितना भी दूरी तक से देखेंगे तो लाल का लाल हमको दिखेगा, लेकिन बाकी कलर जो है निगलेक्ट हो जाता है, नहीं दिखता है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़े कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग है वो रक्ताभ क्यों होता है, और आकाश का रंग रियलिटी में काला होता है लेकिन दिखता है नीला। तो इन सभी सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस किए, और आज हम लोगों का पूरा चैप्टर का जो थ्योरी है वो बिल्कुल एंड हो गया है, ठीक है। अब हम लोगों को एक ही पॉइंट्स बचा है एनसीईआरटी का इस चैप्टर का प्रश्न। तो कुल मिलाकर दो क्लास मानिए, दो क्लास में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग साइंस में एक न्यू चैप्टर को पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।